नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर इन हिंदी में। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो कि बहुत ही रोचक है। तो दोस्तों, वो जानकारी है क्या कि हम डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को कैसे लॉक करें, डेस्कटॉप बैकग्राउंड लॉक कर दें ताकि कोई उसे चेंज ना कर पाए। तो दोस्तों, अभी हम देखते हैं हमारे डेस्कटॉप पे वॉलपेपर नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर कुछ वॉलपेपर्स हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हम राइट क्लिक करके सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड करते हैं तो हमारे डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज हो गया। देखिए दोस्तों, हम दूसरा चेंज करते हैं, दूसरा चेंज हो गया, तीसरा करते हैं, तीसरा चेंज हो गया। लेकिन दोस्तों, हम चाहते हैं कि इसमें से कोई एक हम इमेज लगाएं अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में और उसे कोई चेंज ना कर पाए। तो दोस्तों, इसका भी समाधान है, तो चलिए कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं स्टार्ट बटन पे, नीचे टास्क बार पे आते हैं, स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सर्च बार में हम टाइप करेंगे gpedit.msc। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ऊपर आ गया gpedit.msc, इस पर क्लिक कर देंगे तो लोकल लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर की विंडो ओपन होके आ गई है। इस विंडो को ओपन करने के दो तरीके हैं दोस्तों। इसको एक तो अभी स्टार्ट मेनू से हमने ओपन किया, दूसरा विंडोज़ बटन कीबोर्ड से हम शॉर्टकट की लगाते हैं Windows+R, Windows+R करेंगे तो रन कमांड ओपन होके आया दोस्तों, ये रहा। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे इस रन कमांड में gpedit, जो अभी पहले हमने टाइप किया था दोस्तों, gpedit.msc। इसके बाद दोस्तों ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर आ गया सामने। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, बाएं तरफ लोकल कंप्यूटर पॉलिसी है। अब इसके अंतर्गत हम आएंगे नीचे यूजर कॉन्फ़िगरेशन। अब यूजर कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, एकदम नीचे सबसे इस पर सिंगल क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं दाहिने साइड, डेस्कटॉप नाम का फोल्डर मिल रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे दोस्तों। फिर इसमें आएंगे तो एक डेस्कटॉप फोल्डर और मिलेगा, डबल क्लिक इस पर ओपन करेंगे दोस्तों, फिर ओपन हो गया। फिर यहाँ से अब इनमें से हम सेलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप वॉलपेपर। दोस्तों डेस्कटॉप वॉलपेपर पे डबल क्लिक करेंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन खुल के सामने आ गई है। अब दोस्तों, इसको हम इसके कॉन्फ़िगरेशन में नॉट कॉन्फ़िगर्ड दिया है तो दोस्तों हम इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद दोस्तों, अब यहाँ जैसे ही इनेबल करेंगे तो वॉलपेपर का ये टेक्स्ट बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पे हम उस इमेज फाइल का पाथ देंगे जिसे हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड में चेंज करना चाहते हैं दोस्तों। तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, वॉलपेपर नाम की फोल्डर है। अब इसमें हमारे पास दो तीन इमेज हैं। अब हम चाहते हैं ये वाली इमेज हम लगाना चाहते हैं तो दोस्तों, हम यही सेट करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर हम आ गए जहाँ पर हमारी फाइल पड़ी हुई है। तो इसके एड्रेस बार में दोस्तों, हम कंट्रोल बटन दबा करके यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका फुल पाथ हमारे सामने आ गया। अब इसको फुल पाथ को हम कॉपी कर लेंगे, राइट क्लिक कॉपी। ये पाथ कॉपी करने के दो तरीके हैं दोस्तों, एक तो आपने देख लिया कि यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, दूसरा तरीका है दोस्तों इसी फाइल पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद एक मिनट दोस्तों, ये रहा राइट क्लिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इसका लोकेशन ये पाथ दे रहा है कि सी ड्राइव, यूजर्स, यूजर्स के अंदर i7 PC, डेस्कटॉप, उसके अंदर वॉलपेपर। ये हमने कॉपी कर लिया दोस्तों, राइट क्लिक करके चाहे यहाँ से कॉपी करें चाहे ऊपर से जो पहला स्टेप बताया था उसमें से करिए। इसके बाद इसे क्लोज कर देते हैं, फिर यही ला के हम इसमें पेस्ट कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर ये रहा पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हमें एक काम करना होगा, अभी बैक स्लैश लगाना होगा वॉलपेपर के बाद दोस्तों, बैक स्लैश लगा देंगे। उसके बाद इस फाइल को इस फाइल के प्रॉपर्टी में दोबारा से हम जाएंगे और यहाँ से इसका नाम कॉपी करेंगे दोस्तों। ये रहा नाम इसका, इस ब्रैकेट से हम इसका नाम कॉपी कर लेते हैं अपनी फाइल का। ये रहा राइट क्लिक कॉपी, उसके बाद क्लोज कर देते हैं। फिर दोस्तों, इस बैक स्लैश के बाद हम उस फाइल के नाम को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों डॉट लगाएंगे, डॉट। अब ये फाइल का टाइप देंगे कि ये फाइल किस टाइप की है, तो इसका टाइप देखने के लिए दोस्तों, ये तो JPG टाइप की है तो हम यहाँ से इसका टाइप देख लेते हैं। तो देखते हैं टाइप फाइल JPG फाइल, और इसका एक्सटेंशन नेम है दोस्तों डॉट JPG। ये जो ब्रैकेट में डॉट JPG लिखा है वही JPG हमें
यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम आ गए एकदम एंड बटन दबा के एकदम लास्ट में चले जाएंगे कर्सर डॉट के बाद JPG। अब ये रहा दोस्तों हमारे उस फाइल इमेज का फुल पाथ है, इसे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद ओके, उसके बाद सारी विंडो क्लोज कर दीजिए दोस्तों। अब हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देंगे। जैसे ही कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे दोस्तों हमारी सेटिंग सेव हो जाएगी। उसके बाद फिर हम चेंज करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों अब कंप्यूटर रिस्टार्ट करने के बाद अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा वॉलपेपर डिसेबल हुआ या नहीं। अभी देखिए दोस्तों हमारी यही हमने पहले यही फाइल का पाथ सेट किया था। अब देखते हैं हम दूसरी फाइल पर क्लिक करके इसको सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड करते हैं। देखिए दोस्तों हमने सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड किया, कोई भी बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम चाहे जिस फाइल पे जिस भी इमेज पे हम सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर रहे हैं कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म हो जाए। थैंक यू।